हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं और वो लेटेस्ट अपडेट है नवोदय विद्यालयों में एडमिशन से संबंधी नवोदय विद्यालय में क्लास नाइन्थ में लेटरल एंट्री स्कीम में टेस्ट होते हैं और इसके लिए इस वर्ष एडमिशन के लिए जो टेस्ट डेट है वो है ट्वेंटी फरवरी ट्वेंटी फरवरी को पूरे भारत में नाइन्थ क्लास लेटरल एंट्री टेस्ट के एग्जाम होने जा रहे हैं आप में से बहुतों ने फॉर्म भर रखा होगा और इसके लिए एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे यह मैं आपको बताता हूँ उसके लिए वेबसाइट है नवोदया डॉट जी ओ वी डॉट इन इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे आइए हम आपको दिखाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गूगल खोलेंगे गूगल पर एन वी एस टाइप करेंगे एन टाइप करते ही आपके सामने विंडो दिख रही है नवोदय विद्यालय समित उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा और उसमें नाइन्थ क्लास लेटरल इंटी टेस्ट एडमिशन का कालम आपको दिखा रहा है साथ ही साथ आप उसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर ऊपर की ओर स्क्रॉल करते ही आ रहा है प्लीज क्लिक हीयर फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर क्लास नाइन्थ लेटल इंट्री सेलेक्शन टेस्ट 2021 इस पर आपको क्लिक करना है ओके okay? अब आपके सामने जो इंटरफेस दिख रहा है उसमें एडमिट कार्ड आप पढ़ सकते हैं द एडमिट कार्ड ऑफ सेलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास नाइन्थ 2021 इज नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड कैंडिडेट हैव टू यूज देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपको एक लॉगिन आई यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ कैप्चे को आप भरेंगे और जैसे आप इसकी सही एंट्री कर लेंगे नीचे आपको दिख रहा है लॉगिन करेंगे लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा एडमिट कार्ड को आप प्रिंट कर लेंगे इस तरह आपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया अब आपको क्या करना है इसका एक प्रिंट आउट लेना है और प्रिंटआउट लेने के साथ इसको आप सुरक्षित रख लेंगे एग्जाम की डेट पर अपने नियत सेंटर पर जहाँ भी आपका सेंटर है उस सेंटर पर समय से पहुँचेंगे और एक आईडी प्रूफ भी आप अपने साथ आधार पैन कार्ड कुछ इस तरह का एक अपनी आईडी भी अवश्य रखेंगे आपको जो परीक्षा का पैटर्न है उस संबंध में भी कुछ मैं बता देता हूं पेपर पैटर्न आपको ओ एम आर सीट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में होगा सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे उनके जो सही आंसर हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से फिल करेंगे समय पर सेंटर पर पहुंचें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उसमें ऑप्शन आपके पास होंगे उनको सही ऑप्शन का चुनाव करके सही नंबर्स को ओ एम आर सीट पर आप अंकित करें ये सारी सत्यता आप बरतेंगे और निसंदेह आपके लिए ये परीक्षा बहुत ही एक रोचक अनुभव वाली होगी गुड लक